शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ लखनऊ से करते हैं। 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज और पीएम मोदी करेंगे इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी करेंगे 3 दिवसीय समिट का शुभारंभ। सुबह तकरीबन 10:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे पीएम। और आपको ये बता दें कि ग्लोबल ट्रेड शो का विजिट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10:47 से 10:50 तक प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे UPGIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 फिल्म का अवलोकन भी करेंगे। देश के नामी उद्योगपतियों का संबोधन भी आज होना है। उद्योगपतियों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। 3 दिन 34 सत्र यूपी के विकास पर मंथन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को समापन करेंगे। अमित शाह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शिरकत करेंगे। पहले दिन 10, दूसरे दिन 13 सत्र आयोजित होंगे। आखिरी दिन 12 फरवरी को 11 सत्र आयोजित होंगे। केंद्रीय मंत्री बदलते यूपी के विकास पर रखेंगे अपनी बात। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नए भारत के शिल्पकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी में स्वागत है। पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी उत्तम प्रदेश बन रहा है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 देशों के 400 प्रतिनिधि शामिल होंगे। उद्योगपति अंबानी समेत 10,000 से ज्यादा निवेशक शामिल होंगे। तो इन्वेस्टर समिट में 40 देशों के 400 प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। तकरीबन 40 देशों को न्योता भेजा गया है। उद्योगपति अंबानी समेत 10,000 से ज्यादा निवेशक इसमें शामिल होंगे। समिट से पहले सीएम योगी ने निवेशकों के साथ डिनर किया। 11:07 पर उद्योग समूहों के प्रमुखों का संबोधन। 11:22 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। 11:32 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे संबोधित। 11:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आगाज हो रहा है, आज उद्घाटन हो रहा है। आज से शुरू है 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। यूपी को मिलेगी नई रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करेंगे। निवेश बढ़ेगा यूपी में, रोजगार मिलेंगे युवाओं को, विकास होगा, तरक्की होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत विकास को रफ्तार मिलने वाली है। राजधानी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए। आज से यूपी में निवेश का महाकुंभ, नया कीर्तिमान लिखेगा उत्तर प्रदेश। विश्व भर से यूपी में निवेश हो रहा है और सीएम योगी का पर विश्वास भी सभी लोग जता रहे हैं। यूपी में निवेशकों का मेला पूरी तरीके से लगा हुआ है। देश विदेश से निवेशक पहुंच रहे हैं। यूपी अब स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का भी हब बनेगा। तो आज एक नया कीर्तिमान रचने वाला है क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो रही है, आज इसका उद्घाटन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं आज इसका उद्घाटन करने के लिए। कई उद्योगपति यहां पर पहुंचेंगे। अंबानी समेत 10,000 से ज्यादा उद्योगपति पहुंचेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर 10,000 से ज्यादा उद्योगपति पहुंचेंगे तो आप इससे अंदाजा ये लगाइए कि कितना भव्य होने वाला है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, कितना ऐतिहासिक होने वाला है, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। 3 दिन तक लगातार चलेगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को पहुंचेंगी समापन करने के लिए। जब समापन होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, प्रधानमंत्री खुद इंतजार कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि कल प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया था जिसमें प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके लिखा था कि मैं इंतजार कर रहा हूं जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राजकुमार चौधरी वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, आज का दिन ऐतिहासिक, आज का दिन बेहद खास क्योंकि आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन, प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं और कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस बात की खुशी भी जाहिर की थी कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कब इसकी शुरुआत होगी। बिल्कुल काजल, हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रांत और दुनिया के 5 देशों के बराबर भूभाग पर बसे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आज बिल्कुल एक स्वर्णिम दिन है और ऐतिहासिक दिन है। आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। 25 करोड़ की आबादी, 403 विधानसभा सीट, उसके अलावा 80 लोकसभा सीटें इसमें समाहित होती हैं। देश की राजनीति को, देश को प्रधानमंत्री
देने में उत्तर प्रदेश का अव्वल स्थान रहा है। लेकिन आज 25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट को लेकर तकरीबन 300 से ज्यादा बड़े उद्योगपति दुनिया भर के आज एक छत के नीचे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का, इस समिट का, 3 दिन चलने वाली इस समिट का आज उद्घाटन करेंगे। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति पहुंच रहे हैं, मर्सिडीज बेंज एप्पल जैसी कंपनियों के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेंगे और वो उत्तर प्रदेश की सर जमीन पर अपने उद्योगों को स्थापित करेंगे। एकल खिड़की सिस्टम, एक खिड़की पर उनको तमाम विभाग, तमाम डिपार्टमेंट एनओसीज दें, इसकी व्यवस्था पूरी कर दी गई है। प्रशासनिक तंत्र एक बनाया गया है, अलग से एक ऑटोनोमस बॉडी होगी, एक अलग से एक टीम होगी जो इन उद्योगपतियों को ये गारंटी देगी कि आप एकल खिड़की सिस्टम से आपका पूरा सिस्टम चलेगा। एक छत के नीचे आज लखनऊ को पूरे दुल्हन की तरह सजाया। अंबानी, मुकेश अंबानी और अडानी के पहुंचने की भी उम्मीद, अगर दुनिया के बड़े उद्योगपति अगर आ रहे हैं तो हिंदुस्तान के उद्योगपतियों के लिए भी ये बहुत स्वर्णिम दिन है। 25 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जिन कंपनियों की होगी उसमें तकरीबन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 35 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि जब एक कंपनी आती है तो वो कंपनी कहीं ना कहीं स्थापित होती है और उसको लेबर की जरूरत होगी, तकनीकी स्टाफ की आवश्यकता होगी। तमाम तरह की ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं ताकि रोजगार के अवसर, ये वही उत्तर प्रदेश है जो कभी माफियाओं के वशीभूत चलता था, दंगे, जातिगत दंगे यहाँ पे हुए हैं, मुजफ्फरनगर कांड जैसे काले अध्याय इस प्रदेश में देखे हैं। लेकिन आज दुनिया के स्वर्णिम दिन में आज उत्तर प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में एक नए कीर्तिमान के तौर पर स्थापित होगा और इसका पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी टीम को जाता है। बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके की तैयारी, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि लखनऊ को, राजधानी को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, बेहद खास होने वाला। और सबसे बड़ी बात, जब निवेश होगा तो यूपी की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी, यूपी का विकास होगा, देश का विकास होगा, और जो युवा हमारे देश में जिनको रोजगार चाहिए उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। काजल, एक चीज को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मान लेना चाहिए कि ये जो समिट है, इस समिट में 25 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और वो बड़े उद्योगपति हिस्सा ले रहे हैं जो लोग अपने आप में ब्रांड हैं। आज तक मार्केटिंग करने का, आज तक एडवर्टाइजमेंट करने का अवसर ना कभी मर्सिडीज बेंज ने किया, वो अपनी क्वालिटी के आधार पर बिकते हैं। अगर किसी को मर्सिडीज खरीदे तो वो एक अलग लेवल, एक अलग सेगमेंट है। एप्पल का फोन रखने वाले लोग दुनिया के अंदर वो लोग हैं कि जो बिल्कुल एक अलग कैटेगरी में आते हैं। जब इस तरीके के उद्योगपति अगर वहाँ पर स्थापित हो रहे हैं, उनकी मेहमान नवाजी होनी चाहिए, क्योंकि बात निकली है दुबार से तो दूर तक जाएगी। अगर इस कार्यक्रम में कोई भी कमी रह जाती है तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि तमाम प्रतिष्ठा दांव पर है और इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है, इसीलिए उन तेज तर्रार अफसरों को लगाया गया है। और देखिए, एक संवेदनशीलता देखिए, 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी ऐसे लगाए गए हैं इस कार्यक्रम के आसपास जो उस व्यवस्था को संभालेंगे, जो हिंदी और अंग्रेजी में निपुण होंगे। यदि किसी व्यक्ति को, कभी किसी बाहरी उद्योगपति को हिंदी अगर नहीं आती है और वो इंग्लिश में यदि बात करेगा तो पुलिसकर्मी उसकी बात का जवाब इंग्लिश में देंगे। तो ये जो संवेदनशीलता है, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हमें समझना चाहिए कि सरकार कितनी संजीदा है इसको लेकर। और आज ऐतिहासिक पन्नों पर दर्ज होंगी चीजें, परसों इसका जो इस समिट का जो इसका समापन होगा उसमें देश की प्रथम नागरिक हिस्सा लेंगी, राष्ट्रपति इसका समापन करेंगी। इससे कहीं ना कहीं संवेदनशीलता पता लग जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, तो केवल ये मान लीजिए कि उनकी कितनी संवेदनाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी होंगी और सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से देखा है। पूरा तंत्र इस समय लगा हुआ है, लखनऊ में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसको लेकर तमाम मॉनिटरिंग, मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रमुख सचिव से लेकर तमाम तरह के जो अधिकारी, जो बड़े अधिकारी हैं, वो बड़े अधिकारी इसको पूरी नजर बनाए हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी दुनिया से, दुनिया के जब यहाँ पर लोग पहुंचेंगे तो देश के जो बड़े उद्योगपति वो पहले से वहाँ पे मुहैया है, मौजूद है। तकरीबन 5 किलोमीटर का एरिया ऐसा है कि जिसको नो पार्किंग, नो व्हीकल जोन कर दिया है, उसमें केवल जो विशेष पास, जिन कंपनियों को, जिन गाड़ियों को विशेष पास होंगे केवल वही जाएंगे। आसपास के 5 जनपदों की पुलिस इस समय लखनऊ, देश की राजधानी
लखनऊ की कमान संभाले हुए हैं और ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने की तरफ कहीं ना कहीं सरकार अग्रसर है। आज दोपहर को 10 बजे से 11 बजे के बीच प्रधानमंत्री के जाने का कार्यक्रम है, वो जाएंगे जाकर इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे और अपने संबोधन में एक गारंटी देने का प्रयास करेंगे पूरी दुनिया के उद्योगपतियों को कि आप आइए हमारे देश में पधारिए। आज हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान आज विकासशील नहीं बल्कि विकसित देशों की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन राजकुमार हम देखें तो जिस तरीके की तस्वीर आज दिखने वाली है, जो तस्वीर आज सामने आएगी उससे देखकर लगता यह है कि वो तस्वीर ऐतिहासिक होगी, क्योंकि अब तक सिर्फ और सिर्फ कल्पना की जा रही थी और आज वो तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया राजकुमार इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज एक ऐतिहासिक तस्वीर हम सबके सामने होगी, उसमें विदेश के उद्योगपति भी होंगे और देश के उद्योगपति भी शामिल होंगे, तो एक ऐतिहासिक तस्वीर, एक भव्य तस्वीर आज देश के सामने पेश होगी। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।